सेंट्रल न्यूज डिग्री कॉलेज के समापन सप्ताह समारोह और वार्षिक पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन शुक्रवार को विद्यालय परिसर में विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर जी के लाल द्वारा आयोजित किया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि डीआईजी बीएसएफ नरेंद्र नाथ धर दुबे, विशिष्ट अतिथि गोरखपुर डिनरी के डोन रेहव्यू संजय विसेंट और अन्य अतिथि डॉक्टर अर्चना लाल दिनेश सिंह को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। मुख्य अतिथियों ने समारोह में आयोजित कार्यक्रमों के विजेताओं को प्रमाण पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथियों ने अपने उद्बोधन में कहा, इसकी मुलाकात ये जरूर हम दोनों को नजदीक लाएगी। इस कॉलेज इसमें न जाने कितने कार्यक्रम प्रोग्राम इसमें मिलेंगे। परिंदों को मंजिल ये उनके तो कॉलेज के आशुतोष सिंह पोस्टर पेंटिंग सरी खाकन बीएससी थर्ड ईयर की सेकेंड पोजिशन निबंध लेखन का एहसान खान पार्ट वन है। बेटा उधर वेट कर लो आप। मुस्कान को श्रीमती सीमा शेखर जी एंगेज डिपार्टमेंट MA2 आप लोग भी कुछ कर दिया चाहिए। आपके कुशाग्रा श्रीवास्तव सुरेंद्र डॉक्टर एच आर मल एक्स अनुराग शुक्ला बच्चों कर देना आप सबको ढेर सारी बधाई। आज का दिन हम सबों के लिए बहुत ही धन्यवाद देने का दिन है परमेश्वर को कि परमेश्वर ने ऐसा अनुग्रह और ऐसी दया इस महाविद्यालय को करी कि आज उसके हम 119वें स्थापना दिवस को मना रहे हैं। 119 वर्ष की तमाम आशीषों और बरकतों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देने का दिन है। चीफ गेस्ट महोदय के बारे में बहुत कुछ बताया गया, सुनकर बहुत ही खुशी आनंद और गौरव हो रहा है कि हमारे बीच में एक ऐसे चीफ गेस्ट आए हुए हैं जिन्होंने देश की सेवा के लिए अपने आप को लगाया है और एक बड़ी कीमत बताई गई है। उनकी सेवाओं के लिए भी परमपिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। इस अवसर पर ज्यादा ना बोलते हुए केवल एक बात ही बच्चों को बोलना चाहूंगा कि वर्तमान समय में चारों तरफ विवाद ही विवाद दिखाई पड़ते हैं। वो विवाद पारिवारिक हो सकते हैं, सामाजिक हो सकते हैं, राजनीतिक हो सकते हैं या धार्मिक हो सकते हैं। एक पढ़े लिखे बच्चों के जीवन से ऐसी आशा और ऐसी उम्मीद की जाती है कि पढ़ लिखकर वो देश और समाज के निर्माण में सहयोग करें और हर प्रकार के विवाद से अपने आप को बचा कर रखे और स्वस्थ समाज के निर्माण में वो सहयोग कर सके। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हम कभी पढ़ाई के दिनों में एक चैप्टर पढ़ा करते थे तीन बंद न्यूज आई कनेक्ट अ वेरी बिग पास्ट सेंट एंड्रयूज and his very rich contribution in social building and in freedom movement को और आपका इंस्टीट्यूशन इसी परंपरा का हिस्सा है और इतना पुराना 1899 से इसको ये लेवल प्राप्त है। शुरुआत इसका उससे भी पुराना है
और 120 साल इंस्टीट्यूशन का बनाना और सबसे बड़े दिस इज इंफॉर्मेशन टू मी कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी यंगर देन सेनेडू पीजी कॉलेज यूनिवर्सिटी इन एज फ्रॉम पीजी कॉलेज एक बहुत बड़ी बात है। और मैं पूरा जब कॉलेज का प्रोफाइल पढ़ा तो मुझे ये लगा कि ईस्टर्न यूपी का इतना बड़ा एक विद्या का केंद्र, क्योंकि मैं छोटी सी चीज से कनेक्ट कर सकता हूँ कि जब हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हुआ करते थे तो हम कभी आके इस कॉलेज के गेट से गुजरते थे तो हमको ऐसा महसूस होता था कि हम यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, हमें यहाँ पढ़ते हुए होना चाहिए था। तो दैट इज स्पीच इटसेल्फ दैट्स अ पास्ट 36 इयर्स बिफोर आई एम टॉकिंग अबाउट। यू शुड बी प्राउड, यू शुड बी प्राउड ऑफ बिकमिंग अ स्टूडेंट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन एंड दिस आल्सो स्ट्रेंथेंस द फैक्ट दैट इंस्टीट्यूशन हैज गॉट इट्स ओन सॉन्ग। आने पर बच्चों ने तो गीत गाया, वो इंस्टीट्यूशन के लिए एक जज्बा था, एक इंस्टीट्यूशन के लिए प्राइड था, क्योंकि जिस तरह से आप पैदा हुए पेरेंट्स के लिए प्राइड बनते हैं, दूसरी पाठशाला इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि घर पे बच्चा पैदा होता है, फैमिली में शुरुआत करता है, परिवार में जीने रहने का कस्टम हम सीखते हैं, लेकिन एक टाइम आता है कि सबको इंस्टीट्यूशन की जरूरत पड़ती है। अगर ऐसा नहीं होता तो त्रेता युग में दशरथ जैसा बड़ा राजा नहीं था, उनको भी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जंगल में भेजना पड़ा, वो वशिष्ठ की जरूरत को पड़ी, उनको कोई कमी नहीं थी, वो टीचर को अपने घर बुला सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया, क्योंकि टीचर सिर्फ आपको एकेडमिक नॉलेज ही नहीं देता, आपकी पर्सनैलिटी बिल्डिंग भी करता है, और इस चीज को आप भी ध्यान से रखिए और ये आपके लिए बहुत गर्व की बात है। Thank you.